सो हाय एवरीवन, दिस इज मोनू। आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट अर्बन वॉल यूनिवर्सिटी पटना। सो गाइज, आज का जो वीडियो है वो सेकेंड राउंड कटअप के रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ कि सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट कब जारी होगा और सेकेंड राउंड में आपको कितना रैंक रहता है यूआर में आया, तो आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, जो भी आपका कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग मैं देखूँगा कि आपको इतना से इतना रैंक है तो आपको सेकेंड राउंड में ये कॉलेज ज़रूर मिलेगा। और ये फ्रेंड्स जो कि सेकेंड राउंड का मैं दिखाने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट कब तक आएगा। तो मैंने बता दिया था कि 29 तारीख को सीट अलॉटमेंट आपको प्रोविजनल डाउनलोड होने लगेगा। उसके बाद 30 तारीख से 2 अक्टूबर के बीच, 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा। और फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट अपग्रेड, बहुत सारे स्टूडेंट कर दिए हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि सेकेंड राउंड में वो सभी का आ जाएगा, सेकेंड राउंड में जितना भी है। और यही मैं आज के वीडियो में बात करूँगा कि कितना आपको रैंक है, तो कौन कौन सा कॉलेज मिलने का चांसेस है। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि ये जो कि 2020 के सेकेंड राउंड का ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। और 2021 के मैं बताता हूँ कि सेकेंड राउंड का ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक नहीं दिया गया था, तो इसी के बेसिस पर आप मान के चलिए यहाँ पर, इसी के बेसिस पर मान के चलिए कि आपको इतना रैंक रहता है तो ये सब कॉलेज मिलेगा। और 21 का तो सेकेंड राउंड का नहीं आया है और ना ऑफिशियली है डेटा, तो इसी के रिगार्डिंग। और फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ कि इसमें जितना भी रैंक बताया गया है, ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक, चाहे आपका जो भी कैटेगरी है वो 100% है। यदि इतना इतना के बीच रहता है तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये सब कॉलेज मिल जाएगा। इसीलिए कि फ्रेंड्स पहले जो था सीटें बहुत कम थी, यानी कि 7000 कुछ समथिंग सीटें रहती थी, बट इस बार जो है 3000 बढ़ा दिया गया है। और जो कि आज MIT में देखा गया कि बहुत से ब्रांचेज में जो कि अभी सीट खाली ही रह गया है फर्स्ट राउंड में ही, तो वही कारण है कि आपको जो कि 3000 सीट बढ़ गया है इसी के कारण हो गया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको 2020 के सेकेंड राउंड का मेरी लिस्ट देख लीजिएगा, तो आपको ये जितना भी आपको जो भी आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर बहुत सा है, तो मैं एक एक करके मैं बता देता हूँ और साथ साथ मैं बताऊँगा कि इस PDF को कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स आपको बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलेज इंस्टीट्यूशन, उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं सिविल, उसके बाद कैटेगरी एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है सभी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपका जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी का देखिएगा, यहाँ पर लिखा है ओपनिंग रैंक, UR का ओपनिंग रैंक, दो आपको रैंक मिला होगा, एक UR में और एक कैटेगरी में। तो ये UR का ओपनिंग रैंक है और ये UR का क्लोजिंग रैंक है, जो कि 2020 में ये क्लोज हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो ये CAT का ओपनिंग रैंक है, यानी कि जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, और एक कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक है, मैंने कितना से स्टार्टिंग हुआ था कितना पर क्लोज हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी आपको कैटेगरी में दिया हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स बख्तियारपुर में EBC के लिए मैं बात करूँ तो UR में 790 पर स्टार्टिंग हुआ था और 1634 पर एक क्लोज हो गया था। उसी तरह आप यदि इसी में मैं बात कर लेता हूँ कैटेगरी में, तो कैटेगरी में 163 पर यह स्टार्टिंग हुआ था और क्लोजिंग हो गया था 366 पर, यानी 366 पर यहाँ पर क्लोज हो गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी कॉलेज का कटअप है और एकदम सिक्योर रहिए कि इसी इतना यदि आपको रैंक रह जाता है फ्रेंड्स, तो पक्का मैं गारंटी देता हूँ कि ये सब कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि 3000 सीटें बढ़ भी चुकी है। पहले तो 7000 था लेकिन 3000 और बढ़ा दिया गया है, तो ये सब कॉलेज तो आपको आराम से मिलेगा। कटअप थोड़ा लो गया है और आपको तो मैंने बता दिया था, कम्युनिटी में पोस्ट डाल दिया था यूट्यूब पर कि देखिए आपको MIT में भी बहुत से सीटें फर्स्ट राउंड में, जो कि टॉप कॉलेज है, वहाँ पर भी सीटें रह गई है खाली। तो मैं तो बोलता हूँ कि यदि एडमिशन भी ले लेते हैं तो उसमें हम बताता हूँ कि 15 से 2000 तक या उससे भी ज़्यादा सीटें बच जाएगी। तो आप कन्फर्म रहिए इस रैंक के अकॉर्डिंग कि आपकी
जितना रैंक आपको आता है ये सब कॉलेज में, तो आपको 100% मैं कहता हूँ कि ये सब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब चलते हैं कि इसको PDF को कैसे डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स उसको मैं बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जाना, उसका लिंक दिया हुआ है, तो आपको लिखा हुआ रहेगा कि 2020 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सेकेंड राउंड का, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा आपका PDF में। तो इस तरह से, क्योंकि मुझे सारा एक एक करके कॉलेज को बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन है तो टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, तो उसमें ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो को मैं PDF को डाल दूंगा, वहाँ पर सेंड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसी तरह से है, और कोई भी अपडेट आता है फ्रेंड्स तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलते हैं, थैंक यू।